अगर आप एक वी यूजर और एक आप बीएसएनएल यूजर है तो आप सबके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर वी और बीएसएनएल आपस में करने वाले हैं पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप के होने के बाद यहाँ पे दोनों ही यूजर्स को यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे पहले फायदे की अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो है बीएसएनएल के तरफ से आने वाला नया प्लान, और वो प्लान आपको वोडाफोन में भी देखने मिल जाएगा, बट वहाँ पे थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं। बीएसएनएल के तरफ से जो पहला प्लान निकल कर आ रहा है वो है 250 रुपये का, और जो उसकी वैलिडिटी होगी वो होगी 40 दिनों की। और यहाँ पर अगर उनके इंटरनेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डेली बेस पे 3 GB 3G हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा बीएसएनएल। और यहाँ पर अगर वी की बात करें तो वी आपको देगा अमाउंट 250 रुपया ही होगा, और जिसकी वैलिडिटी होगी वो भी होगी 40 दिनों की। बट यहाँ पे इंटरनेट के मामले में वी ने थोड़ा चेंजेस किया है बीएसएनएल से, जहाँ पे बीएसएनएल आपको 3 GB पर डे का डेटा दे रहा था, यहाँ पर आपको 2 GB इंटरनेट ही मिलेगा पर डे का, बट यहाँ पे जो वी में मिलेगा वो आपको मिलेगा 4G। बात करें इन दोनों के पार्टनरशिप होने के कारण, तो यहाँ पर वी को चाहिए था एक फाइबर ऑप्टिक जो कि अपने 5G को बहुत जल्दी लेकर आ सके और ज्यादा हाई स्पीड मिल सके उनके यूजर्स को। तो यहाँ पर वी ने हाथ मिला लिया है बीएसएनएल से फाइबर ऑप्टिक के लिए, और यहाँ पर बीएसएनएल भी चाह रहा है अगर हम उनको फाइबर ऑप्टिक दे तो हम भी उनसे कुछ ले। तो यहाँ पर बीएसएनएल उनसे लेने वाला है उनसे 4G सर्विस। 4G सर्विस कैसे लेगा, जहां पर भी वी के टावर होंगे, अब वी के टावर से अब आपको 4G इंटरनेट मिलेगा बीएसएनएल को। तो यहाँ पर बहुत जल्दी बीएसएनएल में भी 4G आने वाला है, क्योंकि यहां तक अभी तक बीएसएनएल का 4G नहीं था। तो ये पार्टनरशिप के बाद आपको 4G इस्तेमाल करने मिलेगा बीएसएनएल की तरफ से। तो यहाँ पर मेन ये दोनों के पार्टनरशिप की यही कारण थे कि यहाँ पे वी को ब्रॉडबैंड सर्विस चाहिए था, और यहाँ पर वी को चाहिए था कि उनको 4G सर्विस कहीं ना कहीं से मिल सके। और नया टावर लगाने की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत कॉस्टली हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर भी 5G आ रहा है और यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता था बीएसएनएल। तो यहाँ पे उन्होंने वी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। तो यहाँ पर इन दोनों के पार्टनरशिप होने के बाद बहुत सारे भी नए नए प्लान्स आने वाले हैं, और काफी सस्ते प्लान्स आने वाले हैं। तो इसी को देखकर जियो और एयरटेल में भी यहाँ पर नए प्लान्स आ सकते हैं अपडेट होकर, क्योंकि यहाँ पे आपको सबको पता है कि धीरे धीरे जो प्लान्स के प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को देखकर आई होप यहाँ पे जियो और एयरटेल भी अपने जो प्लान्स के प्राइस है उसको थोड़े से कम कर दे, और यहाँ पे जो वैलिडिटी है उनको थोड़ी सी इंक्रीज करे। तो यहाँ पर अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।